हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाइन प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। लाइन प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है अगर आप बिगिनर्स हैं तो। लाइन प्रैक्टिस आपकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी कर देगा। अगर आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये आज की जो मैं प्रैक्टिस बताने वाला हूँ, अगर आप हर रोज़ करेंगे उससे उसके 5 से 10 पेजेस भरेंगे तो आपकी ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। पहले से आपकी शेडिंग में, आपकी ड्राइंग में, आउटलाइन ड्राइंग में, या फिर कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लाइन प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कोई भी पेंसिल ले लीजिए और कोई भी पेपर ले लीजिए और उससे अच्छे से पकड़िए। और सबसे पहले स्ट्रोक प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से, डार्क, फिर लाइट की प्रैक्टिस करनी है उसी लाइन में जैसे मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब वापस से मैं डार्क कर रहा हूँ, देखिए इस तरह। अब क्रॉस लाइन प्रैक्टिस, मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रोक किए, आपको आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको भी करना है, हर रोज़ आपको ये प्रैक्टिस करनी रहेगी। अब लाइट स्ट्रोक, लाइट से डार्क, डार्क से लाइट, ऐसे हर एक स्ट्रोक पर ऐसा करना है। मैं जो स्ट्रोक कर रहा हूँ अभी स्पीड में कर रहा हूँ, मगर आपको एक एक स्ट्रोक देखकर करना है। एकदम सबके सब परफेक्ट लाइन में आने चाहिए, एक ही लाइन में, जैसे कि वो स्केल से किए गए हो वैसे। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा पास पास स्ट्रोक करेंगे और एक ही टोन में करेंगे तो आपको ब्लेंड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, बस आपको पेंसिल पर प्रेशर अपना एक जैसा ही रखना है। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर ही आप टोन चेंज कर सकते हैं ड्राइंग में। उसके अलावा आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी पेपर पर आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पेंसिल की ग्रिप अच्छे से रखिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 4 स्टेप में बताया कि वर्टिकल लाइन कैसे करनी है, क्रॉस लाइन कैसे करनी है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे करनी है, ये सारी मैंने आपको 4 चीज़ें बताई। अब 5th नंबर पर है कर्व लाइन ड्राइंग। आप देख सकते हैं इस तरीके से पहले डार्क करें, फिर लाइट करें, ऐसे हर एक एक जैसे ही होने चाहिए। मैं स्पीड में कर रहा हूँ इसलिए मेरा थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन आपको एक एक लाइन देख के करना है परफेक्ट, एक जैसे ही कॉपी टू कॉपी करना है तो ही आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। अगर आप इन लाइंस का ड्राइंग में यूज़ करेंगे तो आपको आगे भी पता चलेगा कि आपको किस तरीके से डार्क, लाइट और अलग अलग प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा भी आप कई सारी लाइंस की ड्राइंग्स कर सकते, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से डार्क करेंगे, करें, फिर 7 नंबर पर वर्टिकल लाइन ऐसे है इस तरीके से, परफेक्ट एक जैसे ही होने चाहिए। यहाँ पर छोटे से बड़ा हुआ है लेकिन एक जैसे ही होने चाहिए। अभी मैं लाइट कर रहा हूँ, ये भी आपको लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट इस तरीके से ही करना है। ये डार्क इस तरीके से, एक एक लाइन देख के करनी है, ध्यान से करनी है। और ये यू शेप में है, इस तरीके से आप हर रोज़ घर पर प्रैक्टिस करें। इस तरीके से लाइट ऐसे, आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं किस तरीके से प्रैक्टिस बता रहा हूँ आपको। बस आपको इन्हीं सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। अब ये वाला हाथ की कलाई आपकी ड्राइंग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा इससे इम्प्रूव करती है।
आप एक बार घर पर इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करके देखिए। ये भी लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट ऐसे ही करना है। यहाँ पर बीच में मैंने लाइट की है, फिर डार्क वापस से किए। अब 10 नंबर पर है स्पाइरल लाइन, बीच में पेंसिल रख के बड़ा 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 फिर ऐसे लाइन करें इस तरीके से। इससे आपके फ्री हैंड आउटलाइन ड्राइंग अच्छी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी इससे अच्छी होती है। अभी बाहर से अंदर तक ले जाना है। 10 नंबर पर देखा था कि अंदर से बाहर, ये बाहर से अंदर इस तरीके से, बाहर से अंदर। अरे सॉरी, 10 की जगह 11 आएगा। अब 12 नंबर पर आएगा स्टिपलिंग। स्टिपलिंग में जहाँ पर डार्क करना वहाँ पर पास पास करने इस तरीके से, ऐसे आप देख सकते हैं इस तरीके से। सॉरी एक मिनट, मैं थोड़ा स्क्वायर कर देता हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। डार्क टू लाइट ले जाना है मुझे, तो एक तरफ मैं डार्क कर रहा हूँ स्टिपलिंग से और दूसरी तरफ मैं लाइट लाइट करूँगा। डार्क करने के लिए मैं पास पास करूँगा। मैंने स्टिपलिंग से भी एक पहले ड्राइंग की हुई है अक्षय कुमार की, आप देख सकते हैं वो। मैं उस वीडियो की लिंक इसके नीचे दे दूँगा। इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। इन 12 प्रैक्टिस को आप हर रोज़ करें और आप ये किसी भी पेपर पर कर सकते हैं, कोई भी पेपर हो, न्यूज़पेपर से लेकर कोई भी पेपर, या फिर आप कहीं पर भी कर सकते हैं ये प्रैक्टिस। फ़ोन पर भी आप कोई ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूँ ये लंबी हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरीके से करनी है। इस तरीके से कर सकते हैं आप, ऐसे एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट रखिए, फिर पूरी एक लाइन खींचिए। इससे आपको एक जगह स्टार्टिंग से एंड तक पता चलेगा कि कैसे करना है। ये वर्टिकल लाइन, इसमें भी ऊपर नीचे पॉइंट रख दीजिए, फिर धीरे धीरे लाइन खींचिए। इसमें भी आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। ये भी आपको बिल्कुल आराम से करनी है। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन सिंपल ऐसे ज़ोर से खींचेंगे तो वो ज़रूर स्ट्रेट ही आएगी, मगर आप पॉइंट करके करेंगे तो वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आएगी। तो आपको उसी को सुधारना है। जो इजी है उसको नहीं करना है, जो हार्ड रहता है उसी की प्रैक्टिस करनी है। आप देख सकते हैं अगर मैं धीरे धीरे करके लाइन खींच रहा हूँ तो वो टेढ़ी मेढ़ी आ रही है। अब मैं सर्कल बनाऊंगा। अब यहाँ पर मैंने आधा सर्कल किया, फिर आधा इधर किया लाइन, ऐसे नहीं। आपको एक परफेक्ट एक मेथड के साथ करना है प्रैक्टिस इसको, सर्कल की इस तरीके से। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ। परफेक्ट मेथड के साथ आप ड्राइंग करें, प्रैक्टिस करें। इस तरीके से धीरे 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 करके बड़ा करें, ऐसे। तो फ्रेंड्स ऐसी प्रैक्टिस करनी है आपको हर रोज़ घर पर। आप पेन से, पेंसिल से, किसी भी चीज़ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेन, पेंसिल, मार्कर कुछ भी ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। बस आपको लाइट से डायरेक्ट, डायरेक्ट टू लाइट करना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, मैंने अभी जो आपको 12 प्रैक्टिसेस बताई उसकी अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगी। मैं भी इसी तरीके से प्रैक्टिस हर रोज़ करता हूँ, मेरी ड्राइंग का इंप्रूव आप देख सकते हैं। मैं पहले किस तरीके से ड्राइंग करता था और अब किस तरीके में मेरी पहले की आप दो ड्राइंग के वीडियोज़ देखिए, मैं किस तरीके से ड्राइंग करता था, शेड करता था, और अभी के मेरे पेन के ड्राइंग्स देखिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट डिस्टेंस नज़र आएगा। तो आप भी हर रोज़ इसकी प्रैक्टिस करें, आउटलाइन ड्राइंग से आप इस लाइनिंग प्रैक्टिस से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी शेडिंग भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ड्राइंग बहुत पावरफुल हो जाएगी, आप ये किसी भी चीज़ पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।